तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक। स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो में। तो आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोन कैसे ले और कौन से एप्लीकेशन से हम लोन ले सकते हैं। तो आपने काफी ज्यादा वीडियो देख रखी होगी जिसमें आपको एम पॉकेट के बारे में बताया गया होगा। तो मैं आज की स्टूडियो में आपको एम पॉकेट के बारे में बताऊंगा। तो एम पॉकेट पे काफी ज्यादा वीडियो बनी हुई है जिसमें आपको दिखाएगा कि आप, कोई बता रहा है 55,000 का लोन मिल जाएगा, कोई बता रहा है 45,000 का लोन मिल जाएगा, कोई बता रहा है 20,000 का, कोई बता रहा है 30,000 का। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि हमें लोन कितने तक मिल सकता है और कितने से हमें लोन स्टार्ट होगा। तो भाई, मैंने लोन के लिए इसमें अप्लाई किया तो मुझे फर्स्ट मेरा जो सिविल स्कोर है 750 तक है। तो 750 तक मेरा सिविल स्कोर होने के बाद में भी मुझे जो लोन अप्रूवल हुआ वो सिर्फ 1,000 रुपए का, इस पर एम पॉकेट पर लोन का अप्रूवल हुआ। तो मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया, उसके बाद में मुझे 500 रुपए का लोन मिला। और जैसे मैंने उसे 1 महीने में पे कर दिया तो मुझे दूसरा जो लोन मिला वो 2,000 का मिला। उसके बाद में जैसे तुरंत बाद में मुझे 500 रुपए का लोन मिला। तो मैं इसे एप्लीकेशन में जाके भी आपको लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे कैसे कैसे लोन मिला था। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है एम पॉकेट। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर देना एम पॉकेट लिखकर। तो यहाँ हम इसे ओपन करेंगे एम पॉकेट को, और ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने पहले लोन लिया था इसलिए मुझे यहाँ पर जो लिमिट दिखा रहा है 3,000 तक मुझे अब लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे जो पहला लोन मिला था वो सिर्फ 1,000 रुपये का लोन मिला था। मैं आपको दिखा दूँ मेरे एक्टिविटी, मेरा यहाँ पर कोई ओपन लोन नहीं है और मैंने जो पेड लोन किए थे आप देख सकते हैं। मैंने पहला ये लोन यहाँ पर 1,000 रुपये का लिया था। तो मुझे 1,000 रुपये का लेने के बाद मुझे 839 रुपये यहाँ पर मिले थे। चार्जेस मेरे कटे थे 132 रुपया, फीस कटी थी 30 रुपये और मुझे ऊपर इंटरेस्ट लगा था 80 रुपया। तो टोटल मुझे 1,000 पर ऊपर 80 रुपया पे करना पड़ा था और मुझे 1,000 रुपये में से 150 रुपये कट कर मुझे 1,000 रुपये 839 रुपये मिले थे। और जो दूसरा मैंने लोन लिया था वो भी मैंने 1,000 रुपये का ही लिया था। तो ये मैंने एक ही टाइम में पे कर दिया था। इसकी 30 दिन की लिमिट रहती है, 30 दिन के अंदर आप इसे रिपे कर सकते हैं। आप जैसे आज अगर आपने लोन लिया तो आज ही आप इसको पे नहीं कर सकते, आपको 30 दिन की लिमिट मिलेगी, 30 दिन के बाद ही आप इसे पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 30 दिन के बाद एक साथ में दोनों लोन को पे कर दिया था। तो लोन को पे करने के बाद जो मुझे उसके बाद में जो लिमिट बढ़कर मिली है यहाँ पर 3,000 की लिमिट मिली है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अप्लाई पे क्लिक करूंगा और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करूंगा। आपको यहाँ से स्किप कर देना है और एस आई डोंट वांट टू सेटअप कर देना है। और यहाँ पर मैं अमाउंट सेट करूंगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मुझे 2,000 मिल रहा है, उसके बाद में 1,000 मिलेगा, फिर 500 रुपये का मिलेगा। मतलब यहाँ पर मुझे 3,500 तक मैं यहाँ पर लोन इस पर ले सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसका टाइम भी सेट कर सकता हूँ कितने दिन तक मुझे चाहिए। 61 डे यहाँ पर बता रहा है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 30 डे टू 90 डेज बता रहा है। तो मैं मुझे अभी लोन की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस एप्लीकेशन से आपको लोन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 2,000 का लोन लेते हैं तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 30 टू 90 डेज के लिए ले रहे हो 2,000 का लोन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2,000 का लोन मिलेगा। और यहाँ पर जो डेडुकेशन जो है वो 136 रुपये आपका कटेगा, जो फीस है 30 रुपये कटेगी। और आपको जो अमाउंट 2,000 लेने के बाद आपको जो अमाउंट रिसीव होगी वो 1,834 रुपये आपको अमाउंट रिसीव होगी। उसके बाद में जो 9 रुपये पता नहीं एम कॉइन जो है उसके कैशबैक आपको शायद मिलने वाले, और इंटरेस्ट रेट आपको 80 रुपये देना होगा 90 डेज में। और इसका जो टोटल आपको रिपेमेंट करना होगा 2,071 रुपये आपको रिपेमेंट करना होगा। यानी कि मान के चलो यहाँ पर आपको 1,834 मिल रहा है, यानी कि इसको इसमें से आपको 2,000 में से 150 रुपये पहले ही कट के मिल रहे हैं और ऊपर आपको 71 रुपये और भरने हैं, यानी कि आपको 200-250 के समथिंग आपको ऊपर भरने हैं 1 से 3 महीने में। तो ये था भाई इसका रिव्यू। और अगर आप 1,000 रुपये का लोन लेते हैं तो यहाँ पर 1,000 रुपये का दिन 30 टू 30 टू 90 डेज कर लेते हैं। 1,000 रुपये का लोन आप लेते हैं तो यहाँ पर 72 रुपये आपकी कटते हैं डेडुकेशन और 30 रुपये फीस कटती है, 898 रुपये आपको 98 रुपये आपको आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। और आपको भरने जो है वो 1,036 रुपया होता है, आपको 1 महीने में भरना होता है 1,036 रुपया। तो इसका जो लोन अमाउंट है जैसे हम इसे अप्लाई कर देंगे तो तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे कि 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा इसका टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट में हमारे बैंक अकाउंट में इसका लोन आ जाता है। तो ये था भाई एम पॉकेट के लोन का रिव्यू। जैसे कि आप के वीडियो में देखते हैं कि एम पॉकेट से आप इतना लोन ले सकते हैं उतना लोन ले सकते हैं। तो एम पॉकेट से आपको स्टार्टिंग जो लोन अमाउंट मिलेगा वो 1,000 रुपये से 2,000 तक ही मिलेगा, उसके बाद में आपको लिमिट इंक्रीज करके मिलेगी
मुझे भी एम पॉकेट से जो कॉल आया था, आपको वीडियो केवाईसी करनी होगी, उसके बाद में आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने वीडियो केवाईसी की, उसके बाद में मेरी कोई लिमिट इंक्रीज नहीं हुई। जैसे मैं उन लोगों को कॉल मिला तो एम पॉकेट वाले को वो मेरा कॉल रिजेक्ट कर देते, कॉल नहीं उठाते। मतलब हर बार मैं पिछले 15 दिनों से उन्हें उनसे कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उनसे कॉल मिला लो, और 45,000 का उन्होंने मुझे लोन अमाउंट का अप्रूवल किया था कि आप लिमिट इंक्रीज करने के बाद आपको 45,000 का लोन मिल जाएगा। लेकिन उसका जो 45,000 वो ऑफर लिमिट आई नहीं रही, सिर्फ 3,000 ही लिमिट आ रही है। तो उनसे मैं कॉल मिला रहा हूँ तो कॉल भी वो मेरे नहीं ले रहे हैं। तो ये कुछ तरीके से 2-3 हज़ार का ही मैं ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकती, इससे ज्यादा मैं ये लोन नहीं दे सकते। तो भाई अगर आप 2-3 हज़ार के लोन लेना चाहते हैं तो आप इससे ले सकते हैं। अगर ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आप किसी और एप्लीकेशन का यूज करें। अगर आप किसी और एप्लीकेशन का यूज करके ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।